उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है, उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है, मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी ना किसी के हाथ में कुछ था, आप उठा के देख लें। जनता बैठी रही, वहां के एसडीओ साहब एक बार निकलने का मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त दर्शन नहीं दिया, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इसकी गोलीकांड की जांच न्यायिक जांच करें? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं, वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। पहले से ही जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था, और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे, तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहां पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था? जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे, जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या यह रैंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अद्यतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का, रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू साके को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली उनके हाथ में, कोई रिवॉल्वर नहीं है, उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है, तो वो न्याय पालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं, वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है? पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है वो बिल्कुल अलग है, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इसकी गोलीकांड की जांच न्यायिक जांच करें? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है, मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी ना किसी के हाथ में कुछ था, आप उठा के देख लें। जनता बैठी रही, वहां के एसडीओ साहब एक बार निकलने का मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की कटिहार की मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा, तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं मिले? दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने
कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। और इसको मैं दबने नहीं दूंगा, जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाऊंगा कि इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। दूसरी और अंतिम बात,